व्हाट्सअप अभी बहुत ज्यादा तगड़ी होती जा रही है। राउंड थ्री कर्मा वर्सेस यंग गालिब आ गया है। कर्मा ने गाना ड्रॉप करा यंग लीच, खतरनाक नाम, देखते हैं कैसा है काम इसका। एंड गालिब बहुत ही सही काउंटर देते हुए, और गालिब ने कई सारी बातें अपने लास्ट ट्रैक पर उठाई थी, बेचारे रियली वांट टू सी इस बार कर्मा उसका क्या रिप्लाई करने वाले हैं। तो बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, गाना सुनेंगे। तो बड़ा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3-2-1 हेवी Violence, oh my god. Violence. I don't like it. I don't like it. Yes. I avoid. But violence. वैसे मुझे लगा था कर्मा ने जो बोला था कि उसके बाद वो लास्ट वाले के बाद रिप्लाई नहीं करेंगे, बट यहाँ पर रिप्लाई आ गया। बहुत ही बढ़िया, दोनों आर्टिस्ट के लिए बहुत ही बढ़िया भैया। अच्छी खासी जनता मिल रही है कर्मा के, 1,15,000 मैंने देखा था अभी सब्सक्राइबर हो गए बीफ के दौरान, तो काफी सही है ब्रो, है ना। लाइक सबको मच हाइप चाहिए। देखो बच्चों, सब चीट कोड सीख जाओ। Likes me. हमेशा कर्मा जो है जो स्टार्टिंग करता है ना, बड़ा आराम से शुरू करता है। तुम तीनों ट्रैक चढ़ा लो, तीनों की स्टार्टिंग बड़ी ईज से हुई है। सारनी चमक रहा तो चश्मा क्यों है वीडियो पे, सुना ग्रुप्स पे लिखा तूने कज अकेला तू सहम रखा, जानता के कौन oh man, don't tell me. क्यों है वीडियो पे, सुना ग्रुप्स पे लिखा तूने कज अकेला तू सहम रखा, जानता के कौन तेरा गुरु है, तेरा लास्ट उसी का हूँ बहू है, बेटा गोटे आने वाले तेरे मुंह। पता है एक चीज मेरे मन में तो आई थी, जो हमने से पहले गाना सुना था, कौन था यार भाई, अब इतने सारे हो गए 20 मोड के बाद जो भैया गालिब ने ड्रॉप करा था राउंड टू में, है ना, कि वो मुझे काफी कुछ वैसा सा लग रहा था। एक एमईवी का ट्रैक था ना, उसके वीडियो भी ऐसा था, इस भी का मैजीजी इस वाले का था, है ना, इसका वीडियो भी ऐसी था रेड रेड, और थोड़ी बीट भी वैसी, थोड़ा फील तो हुआ था, बाकी कंपेयर करूंगा तब समझ आएगा। मुंह में एक तेरे करियर से उसी का हूँ बहू है, बेटा गोटे आने वाले तेरे मुंह में एक तेरे करियर से बड़े तो तेरे बूब्स हैं। असल में यंग गालिब चंगाल है, इसको बोला मत पंगा ले, काम है भंगा ना बदना मैं करना फंदा है। ये फ्लो मैंने कहाँ सुना है, ये फ्लो मैंने कर्मा से ही सुना है क्या, ये फ्लो कहीं तो सुना है, कर्मा से ही सुना है मैंने। असल में यंग गालिब चंगाल है, इसको बोला मत पंगा ले, काम है भंगा ना बदना मैं करना फंदा है, जंजाल है पूरी लेबल बुला के, सिंगल हैंडेड ही तबाए लूंगा, अकेला संभाल तू बंदे 45 मंगा ले। क्या ऐसा है क्या कि मतलब इसको एक ये कहीं से पता चला है क्या कि कर्मा मतलब गालिब ने और उसे मिलके गाना लिखवाया, मतलब बिकॉज ये काफी बार इसने कर्मा ने वाली बार हो रही है। सिंगल हैंडेड ही तबाए लूंगा, अकेला संभाल तू बंदे 45 मंगा ले, असू लेबल का नौकर मैं, इंडिपेंडेंट नया कार्ड देख रिवर्स में यूनो दिखा रहा तूने, लेबल का नौकर मैं, इंडिपेंडेंट नया कार्ड देख रिवर्स में यूनो दिखा। भाई साहब एमईवी की लाइन यहाँ पे मार दी, मैं तो इंडिपेंडेंट तू लेवल कर, और नया कार्ड नहीं रिवर्स में उन्हों दिखा रहा, ओ माई गॉड भाई यार। यार मुझे इसलिए कर्मा पसंद है काफी ब्रो, बिकॉज लिखाई काफी तूने खुद नहीं लिखा, तभी लिप सिंक नहीं हुआ, तभी मास्क पहन लिया, तभी मुनी दिखा रहा फर्स्ट ऑफ फक योर हुड एंड द क्लिक यू क्लेम, तेरी मास्क पहन लिया तभी मुनी दिखा रहा फर्स्ट ऑफ फक योर हुड एंड द क्लिक यू क्लेम, ओह माय गॉड फर्स्ट ऑफ फक योर बिच एंड द क्लिक यू क्लेम, है ना, हिट एम अप टू पार्क, टू पार्क के गाने की लाइन है। ओके मास्क पहन लिया तभी मुनी दिखा रहा फर्स्ट ऑफ फक योर हुड एंड द क्लिक यू क्लेम। देखो देखो कई लोगों को ये लग सकता है कि ये कॉपी करा है, बट ये मेरे हिसाब से कॉपी नहीं है, बिकॉज इट इज सो ऑब्वियस भाई, है ना, जिसने टुपाक के कोई गाना भी नहीं सुना होगा उसने हिट एम अप सुना ही सुना है, और ये उसकी शायद पहली लाइन थी, है ना, तो ये लाइन पूरी दुनिया को पता है। मेरे हिसाब से कर्मा ने जानबूझ के उठाया है, ये ढपाने वाली बात नहीं है ना, ये टुपाक की वाइब को गाने में लाने वाली बात है बेसिकली। तेरी आवाज कांप गई, I can see that you're tense, English नहीं आती गवारों को, so let me explain, public के बीच था पाल तू अब control में है, मेरा मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकारा, इनका कर्मा आया सामने भगवान बनके। okay, इसलिए ये रीजन बोल रहा है कर्मा कि मैं गाना नहीं निकालने वाला था, लेकिन इस रीजन से निकाल रहा हूँ क्योंकि इसने पहाड़ का नाम दिया। देखो मैंने कहा था भाई, मैंने कहा था कि वो पहाड़ वाला जो रेफरेंस था वो नहीं होना चाहिए था, उसके बाद इस गाना गेट अगली। मेरा मन नहीं था पर इसने पहाड़ को ललकारा, इनका कर्मा आया सामने भगवान बनके, ये पिक्चर करण अर्जुन नहीं बलि तेरी ही चढ़ेगी, साला शाहरुख शेख का या सलमान बनके।
सलमान और विवेक ओब्रॉय वाले रेफरेंस का काउंटर। विवेकानंद ले रहा ओब्रॉय के लाउंज पर और इसकी हाइट इतनी झांट के फेयर बॉल भी बाउंसर। अकाउंट की बात करे खरीद लूंगा तुझे, खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर। क्या खाने के काउंटर दिखेगा तभी दिखेंगे काउंटर्स। मैं काउंटर दे रहा हूँ तुझे, मेरे काउंटर नहीं दिखेगा। बात करे खरीद लूंगा तुझे, खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर। क्या बोलती अनवरी उठा अपनी मंडली, हर रात पे शैंपेन्स तो तभी करना बबली। अलग थोड़ा जंगली सारे कर रही उंगली, आज सबको मिलके अपन चौसठ पे बैठाते। एक ही बात बार बार ले सबक रखता नहीं भैया। ओ भैया लेवल उठ के आगे कुछ कर सकता नहीं है। ओके प्लीज हेट डाइस करने दो, ये हुआ क्या? भाई मेरे मुंह में दर्द होने लगा, मैं सारे वीडियो एक ही बार में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? इतना नहीं ले सकता मैं भाई। बॉल भी बाउंसर, अकाउंट्स की बात करे खरीद लूंगा तुझे, खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर। क्या बोलती अनवरी उठा अपनी मंडली, हर रात पे शैंपेन्स तो तभी करना बबली। हर रात पे शैंपेन्स कभी करना बबली अबे भाई। मेरे मुंह में दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ पे जो है ना इनको जो भी बोन्स बोलते हैं भाई वो सब पे दर्द हो रहा है। तो बड़ा फनी साउंड कर रहा है। इसकी बात करे खरीद लूंगा तुझे, खाने के काउंटर छोड़ेगा तभी दिखेंगे काउंटर। क्या बोलती अनवरी उठा अपनी मंडली, हर रात पे शैंपेन्स तो तभी करना बबली। अलग थोड़ा जंगली सारे कर रही उंगली, आज सबको मिलके अपन चौसठ पे बैठाते। कोटा नंबर 64 पे बैठाते। ओ भाई गॉड, आखिरी वाला मेरे को बहुत सही लगा। रुक जाओ भाई, ये सुन ले तो यार एक बार। उंगली आज सबको मिलके अपन चौसठ पे बैठाते। एक ही बात बार बार ले सबक सकता नहीं भैया, लेबल हुड के आगे कुछ भैया लेबल हुड ये तीन चीजें बार बार बोल रहा है तू, कह रहा तो ये वाली बात है। सकता नहीं, एक वो वक्त था भाई जब मैं 20 से था दूर, अब कसाई बना साला कोई बच सकता नहीं। करा घाट घाट काम बीपीओ 280M स्टार, एक रात की पॉलिश में शाइन नहीं हुआ। माना गलतियां करी होंगी मैंने भी तमाम, पर किसी चूतिए रैपर के अंडर साइन नहीं हुआ। अब ये बेसिकली सीधी सी बात है, बिकॉज वो भैया की बात कर रहा है तो ये उस तुम्हारे ये गालिब के सीनियर रैपर की बात कर रहा है ना, बिकॉज सो बेसिकली क्योंकि वो रफ्तार की बात कर रहा है इसलिए एमीवे की बात कर रहा है बार बार, ठीक है? चल माना गलतियां करी होंगी मैंने भी तमाम, पर किसी चूतिए रैपर के अंडर साइन नहीं हुआ। जब इनका नाम भी नहीं लिया छोड़ी लाश इनकी, आई कैन सी तेरी राइटिंग वीक और पैशन नहीं, वी मेकिंग चीज और चेहरा पीला पड़ा तेरा। मैंने फ्लो सुना गए बिल्कुल मैक एंड चीज, नकल पंच दिया तुझे बोले नकल चीज, दिस फ्लो सो स्मूथ ये लगे बिल्कुल मक्खन चीज, और उस बंटी को बोलो कि डोंट सेंड किस, जो बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं फैजल शेख, शीशे में जाके शक्ल देख एंड लुक हाउ अगली। अच्छा विवेक की बात हुई थी क्या? गालिब का नाम फैजल शेख है, मुझे नहीं पता ब्रो। तू वो फैजल नहीं फैजल शेख। अच्छा तू वो फैजल नहीं फैजल शेख, काफी सही फैजल, क्योंकि उसने विवेक सलमान को मिलाया था तो यहाँ पे फैजल फैजल शेख। ओ नाइस भाई, सही सही, दिस काउंटर इज वेरी गुड। को बोलो कि डोंट सेंड किस, जो बाप दादा का बदला ले तू वो फैजल नहीं फैजल शेख, शीशे में जाके शक्ल देख एंड लुक हाउ अगली दिस बीफ बीटर। शीशे में जाके शक्ल देख एंड लुक हाउ अगली दिस बीफ बीटर ने। और इनकी गांड जल रही डैम, बंडी की तरह गंदे खेल मत खेल, अभी से ओवेसी की तरह तू हेट फैला रहा। यू कॉल मी वॉचमैन तो हुआ तेरा अटेम्प्ट फेल, कस चौकीदार ही बैठ के या देश चला रहा। मैंने कहा था चौकीदार की बात हुई है तो चौकीदार का रेफरेंस आएगा यहाँ पे, यही काउंटर आने वाला है, मेरे को पता था ब्रो। दैट वाज अ फॉर मी दैट वॉज अ वीक लाइन बिकॉज काउंटर वॉज वेरी ऑब्वियस कि कर्मा चौकीदार में किसकी बात करने वाला है, बट ओवेसी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। Damn, बंडी की तरह गंदे खेल मत खेल, अभी से ओवेसी की तरह तू हेट फैला रहा। You called me watchman तो हुआ तेरा अटेम्प्ट फेल, कस चौकीदार ही बैठ के या देश चला रहा। हम पर्वत से पर पर्वत नहीं दिल पत्थर पर रब डरमत भाई कर्मा से टक्कर। अरे यार ये कर्मा का शुरू हो गया के या देश चला रहा। हम पर्वत से पर पर्वत नहीं दिल पत्थर पर रब डरमत भाई कर्मा से टक्कर, बरकत नहीं चारों खाने चित करवट नहीं जन्म जन्म की सन करवट नहीं तेरे को करवट नहीं लेने दूंगा। कुछ तो लाइन थी ना गालिब की शायद, नहीं दिल पत्थर पर रब डरमत भाई कर्मा से टक्कर, बरकत नहीं चारों खाने चित करवट नहीं जन्म जन्म की सन के निकलती जब भी पन्नों पे पता नहीं लगता, बंदों का यंगाडू जैसे कितने थे जो मांग रहे थे हाइप जा रहे थे लाइफ गुजार रहे हैं लाइफ साले आदमी नहीं वाइफ की या जान के। भाई ये फ्लो है कहीं का, ये फ्लो कहीं का
ये तो किसी अंग्रेजी गाने का है। अब भाई बाय 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 आए, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, लेकिन जो है सो है ब्रो, ये बहुत ऑब्वियस फ्लो है, ये मैंने कई 10,000 बार सुना है। वो कौन सा गाना था, फ्रेंच मोंटाना कार्डी बी, और वो तीसरा कौन था बेचारा आदमी, जी जी है ना, इनका गाना में भाई मुझे लग रहा है फ्रेंच मोंटाना का यही फ्लो था। क्या नाम था, फक विद मी एंड गेट द मनी है ना, जो भी गाना था, जो भी नाम गाने का नाम था, बड़ी फ्लो शायद वही है। पन्ना के निकलती जब भी पन्नों पे पता नहीं लगता, बंदों का यंगाडू जैसे कितने थे जो मांग रहे थे हाइप, जा रहे थे लाइफ गुजार रहे हैं लाइफ, साले आदमी नी वाइफ की या जान के रिप्लाई, ताकि मार दूं ये कीड़े तेरा एग्जांपल बनाया कोई आगे ना भीड़, ए अब जाके भरा जी जी जा किया तुझे फिर फिर नो मोर राउंड फिर फिर तू यंग है बट नॉट जी। अरे वाह, इसके बाद सीधे वही आ गया था। अरे अरे ये YouTube क्या सही गाने सजेस्ट कर रहा है, रुक जाओ मैं तुम्हें दिखा दो, अगर वही आए तो YouTube वही चीज दिखा दो जो अभी तुमने दिखाई दी। अरे ये YouTube को भी पता है कि मेरे को क्या देखने का, YouTube ब्रो मतलब तुम तो दोस्त हो यार, तुम तो गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा तेज हो रहे हो ब्रो, तुम तो मन पड़ रहे हो ढूंढने के, यही आ जाया था कुल्फा कर्मा है ना, तो द यंग गलीच, तुमने नाम का मजाक उड़ाया तो अब मैं तुम्हारे नाम का मजाक उड़ाऊंगा हाय, है ना, तो यहाँ पे कर्मा कुल्फा कर्मा। तो भाई ये इतना सॉलिड जा रहे हैं ना दोनों, मेरे को नहीं पता कि मैं अब किसका साइड, लाइक मेरा माइंड भी किसका साइड ले सकता है।